नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए ताजा खबर, बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है कुशेश्वर स्थान से आ रही है। कुशेश्वर स्थान में सातवें राउंड की गिनती के बाद के जो ताजा हालात निकलकर सामने आए हैं वो जदयू के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त कुशेश्वर स्थान में सातवें राउंड की गिनती तक जदयू जो है काफी बढ़त बना चुकी है, यानी कि 3320 वोटों से जदयू यहां पर लीड कर रहा है, जबकि आरजेडी के गणेश भारती यहां पर एक बार फिर से पीछे हो चुके हैं। बात हो रही है कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट की, जहां पर ये जदयू ने एक बार फिर से बढ़त बनाई है, लीड करना शुरू कर दिया है। शुरुआती दौर की अगर हम बात कर रहे थे तो कुशेश्वर स्थान में शुरू से ही राजद का दबदबा दिखाई दिया, ऐसा नहीं लग रहा था कि जदयू से पीछे यहां पर आंकड़े जाएंगे, लेकिन अब जदयू यहां पर लीड करने लगा है और राजद पिछड़ गया है। लगातार तारापुर और कुशेश्वर स्थान की दोनों सीटों पर हमारी नजर बनी हुई है, वोटों की गिनती जारी है और सातवें राउंड की गिनती कुशेश्वर स्थान में हो रही है। और जो ताजा हालात है वहां के, जो ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक जदयू ने यहां पर 3320 वोटों से बढ़त बना ली है, राजद को पीछे छोड़ दिया है और कांग्रेस बहुत पीछे हो गई है। बात होगी तारापुर की और कुशेश्वर स्थान की, तो सबसे पहले नाम तारापुर का आता है, जहां पर सुबह से ही सबकी निगाहें बनी हुई हैं। आप जानते हैं कि तारापुर जो है बिहार विधानसभा उपचुनाव में हॉट सीट बना हुआ था और दोनों ही खेमे की तरफ से यहां जीत का दावा किया जा रहा था, तो राजद की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों हमारा है, दोनों जीत रहे हैं। लालू यादव का बयान आपने सुना, तेजस्वी यादव की बातों को आपने सुना, लेकिन जो अब वोटों की गिनती शुरू हुई है उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। राउंड बाय राउंड जिस तरीके से वोट की गिनती हो रही है उस तरीके से हम आपको खबरें भी बता रहे हैं। जो सूचना हमारे पास निकलकर आ रही है, जो खबरें हमारे संवाददाता शिवम हमारे पास भेज रहे हैं, वो पटना के वोट कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, वो इलेक्शन को जिस प्रकार से वहां से मॉनिटरिंग की जाती है वो देख रहे हैं और जितने भी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम हमें भेज रहे हैं। और जो ताजा आंकड़ा उन्होंने भेजा है उसके मुताबिक कुशेश्वर स्थान में सातवें राउंड की गिनती के दौरान जदयू ने 3320 वोटों से बढ़त बनाई हुई है, राजद यहां पर पिछड़ रहा है तो वहीं कांग्रेस बहुत पीछे है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में लगातार गहमागहमी चल रही है, इन दोनों सीटों पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं, सत्ता पक्ष की निगाहें भी बनी हुई हैं, तो विपक्ष की भी निगाहें डटी हुई हैं, जमी हुई हैं। तेजस्वी यादव के सिपाही और खुद तेजस्वी यादव दोनों ही जगहों पर कैंप कर रहे हैं और किसी भी गड़बड़ी की सूचना पर खुद को तैयार रखा हुआ है इन लोगों ने। खैर, अभी नतीजे जो सामने आ रहे हैं वोटों की गिनती के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं, तो सातवें राउंड में कुशेश्वर स्थान में जदयू आगे चल रहा है, राजद पीछे चल रहा है। तारापुर में आपने सुबह की खबर देखी, तारापुर में शुरुआत जदयू के पक्ष में हुआ, लेकिन अभी के जो नतीजे हमने आपको बताए पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हालांकि आगे क्या नतीजा आता है वो भी हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि कौन आगे कौन पीछे, ये फिलहाल की बात है, लेकिन जब भी नतीजे आएंगे वो हम आपको फाइनल भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल तारापुर जो है वो पिछले राउंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो राजद के खेमे में है और कुशेश्वर स्थान जो कि राजद आगे चल रहा था शुरुआती रुझान में, तो अब जो है जदयू ने सातवें राउंड तक यहां पर बढ़त बना ली है। बड़ी खबर इस वक्त की, कुशेश्वर स्थान में जदयू आगे राजद पीछे। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।